हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह है स्टीलबर्ड का एरोनॉटिक्स सीरीज़ का SBH-40 मांबा हेलमेट, जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाला है एक जहरीले सांप मांबा के नाम से, और उससे इंस्पायर होके इसके ग्राफिक्स बनाए हैं। यह है आँखें सांप की, यह है दांत और यह है ग्राफिक्स। तो आज हम करेंगे इसका रिव्यू, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टीलबर्ड को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू स्टीलबर्ड, आपने हमारे रिव्यू पे ट्रस्ट किया और हमें एक रिव्यू यूनिट भेजा, इसलिए आपको थैंक यू। स्टीलबर्ड की एरोनॉटिक सीरीज़ नॉर्मल हेलमेट से ज़्यादा प्रीमियम आती है, क्योंकि इसमें एरोनॉटिकल ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया हुआ होता है। इसका जो सेल होता है, जो एरोनॉटिक्स ग्रेड का जो प्लास्टिक होता है, वो उसको यूज़ करके इसका सेल बनाया जाता है। इसमें कंफर्ट के लिए बहुत सारे एयर वेंट्स हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और पीछे है एग्जॉस्ट, यहाँ से एयर बाहर निकलती है, जो एयर आगे से अंदर जाती है। इसमें तीन साइज़ अवेलेबल होते हैं, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ और एक्स्ट्रा लार्ज। ये है लार्ज साइज़ 600 mm, और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1799 से लेके मैक्सिमम 2199 तक होती है। और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर दिया गया है। ये हाई एंड इंटीरियर वाला मॉडल है, इसमें लो एंड इंटीरियर भी अवेलेबल होता है, जो कि प्राइस होती है 1799 में, लेकिन इसकी प्राइस है 2199। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पे नोज़ के लिए नोज़ प्रोटेक्शन भी है, और यहाँ पे भी है। और ये अंदर का मटेरियल वॉशेबल है, इसको बाहर निकाल के धो भी सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा कुशन ऐड करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा भी आया है, तो इसको हम इंस्टॉल करके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगी, ये हमारा बर्बाद हो गया, 99 rupees की प्राइस है इसकी। और इसके ऊपर पावरफुल गम लगा हुआ था कि मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पाया, लगाते लगाते ये हाथ पर लग गया, और खींचने जब भी मैं गया तब इसके टुकड़े हो गए। तो इसको मेरा सजेशन है स्टीलबर्ड से कि प्लीज़ इसको अलग से मत दो, इसको पहले से ही अंदर इंस्टॉल करके दो। ये हमारा 99 rupees वाला अभी जाएगा गारबेज में। दोस्तों, इसका इंटीरियर वैसे भी बहुत अच्छा है, और इसमें ये क्विक रिलीज टेक्नोलॉजी वाला बकल आता है, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, और इसका इंटीरियर रिमूवेबल और वॉशेबल है। इसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट एंटी स्क्रैच कोटेड वाइज़र आता है, तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं। ये वाला मोमेंट सबसे ख़ास होता है, इसके ऊपर इतने इजीली स्क्रैच नहीं लग सकते। और इसके अंदर होता है सनशील्ड धूप से बचने के लिए। विदाउट सनशील्ड मॉडल भी अवेलेबल है, चलिए इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। देखिए अब कितना ज़बरदस्त लग रहा है हेलमेट। इसमें चार डिफरेंट कलर आते हैं, ग्रे विथ ब्लैक, ब्लू विथ ब्लैक, ग्रीन विथ ब्लैक, और ये मेरा फेवरेट ग्रीन विथ ग्रीन। और इसका वाइज़र क्विक रिलीज टेक्नोलॉजी से आता है, ये बटन दबाने के बाद इसको यहाँ से खींचना होता है और वाइज़र इजीली निकल जाता है।
इसके चीक पैड बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं और सॉफ्ट हैं, और ये मतलब गाल पे आता है। और देखो, एक को मैं निकाल के दिखाता हूँ, इजीली रिमूवेबल है, ये मैंने निकाल दिया है। और ये है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसका अंदर का मटेरियल हाई डेंसिटी मटेरियल है और इसके अंदर एयर फ्लो के लिए बहुत बड़ी बड़ी टनल बनाई गई है। ये ऐसे बहुत सारे छेद है इसमें, और यहाँ से निकलने वाली हवा अंदर जाती है और अंदर का माहौल फ्रेश रखती है, हमारे दिमाग को भी ठंडा रखती है और हाइजीन के लिए भी है। अभी मैं इसे पहन के दिखाता हूँ। आप कोई भी हेलमेट यूज़ कर रहे हो, इसको ऐसे ही पकड़ना होता है स्ट्रैप से, और यहाँ से ऐसे खींच के ऐसे पहनना होता है। इसके स्ट्रैप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, देखिए। और ये वाला एरिया थोड़ा सा मुझे छोटा लगा। और ये है सनशील्ड, और देखिए दोस्तों, ये था स्टिलबर्ड एरोनॉटिक्स हेलमेट का रिव्यू, जो कि एरोडायनेमिक ग्रेड के थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है। और अगर आपको पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक मैं रख दूंगा, वहां जाके आप इसे परचेस कर पाओगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।